नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्म मेकर करण जौहर इन दिनों अपने शो कॉफी विद करण 7 को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। शो के दौरान होस्ट करण जौहर आने वाले गेस्ट से जो सवाल करते हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं। शो के अगले एपिसोड में शाहिद कपूर और कियाना आडवाणी आने वाले। इस दौरान काफी मस्ती होने वाली है और साथ में कई खुलासे भी होने वाले। दरअसल कॉफी विद करण 7 के अगले एपिसोड का प्रोमो सामने आया। प्रोमो में कियारा आडवाणी और उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को लेकर बड़ा हिंट देखने को मिला। कॉफी विद करण 7 के प्रोमो में दिखाया गया है कि करण जौहर कियारा से उनके और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप पर सवाल करते हुए कहते हैं, आप रिलेशन से मना कर रहे हैं। इस पर कियारा आडवाणी ने कहा, मैं ना तो इनकार कर रही हूँ और ना ही स्वीकार कर रही, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्त से कुछ ज्यादा। इस पर शाहिद कपूर कहते हैं, काफी खूबसूरत कपल है। शाहिद कपूर के इतना बोलते ही करण जौहर कहते हैं कि बच्चे कमाल के होंगे। प्रोमो के आखिर में दिखाया गया है कि शाहिद कपूर कहते हैं, इस साल के लास्ट में एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है और ये फिल्म नहीं। बता दें कि कॉफी विद करण 7 के अगले एपिसोड में जमकर मस्ती होने वाली। शो के दौरान करण जौहर, कियारा आडवाणी और शाहिद को लेकर भी काफी सवाल करते। शो के पिछले एपिसोड में विक्की कौशल सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे थे। शो के दौरान करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनके और कियारा आडवाणी के रिश्ते को लेकर शादी तक के बारे में बात की थी। एक्टर इस पर बोलने से बचते नजर आए थे। बता दें कि ये शो हमेशा अपने सवालों को लेकर चर्चाओं में रहता। वैसे जिस तरह से कियारा और सिद्धार्थ ने कॉफी विद करण में आकर एक दूसरे से जुड़े सवालों का जवाब दिया है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों प्यार में डूबे हुए, लेकिन सबके सामने कबूल करने से डर रहे। बताते चले कि पिछले साल दोनों शेरशाह नाम की फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने ओटीटी पर कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। वैसे कियारा और सिद्धार्थ की जोड़ी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।